और अब बात करते हैं महाकुंभ की, जहां गैर समुदाय यानी मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की बात हो रही है। अखाड़ा परिषद की बैठक में ये बात उठाई गई है। साधु संत महाकुंभ के मेले में किसी भी तरह का बवाल नहीं चाहते हैं, जिसे लेकर वो ऐसा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं साधु संतों के बयान पर मौलवी भड़क रहे हैं। कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इस समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। बैठक में जो बड़ा फैसला किया गया वो है गैर समुदाय के लोगों की एंट्री पर रोक लगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे, उससे पहले अखाड़ा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। संत समाज महाकुंभ के मेले में किसी तरह की बाधा नहीं चाहता, इसके लिए संत समाज ने साफ कर दिया कि आस्था के इस महासागर में गैर समुदाय की एंट्री नहीं होगी। जो भी मेले में अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो सनातन सनातन को फॉलो करने वाले होने चाहिए। जो सनातनी है ही नहीं, उसकी ड्यूटी आप लगाते हैं। यहाँ कोई विरोध हो सकता है, आपने देखा होगा आपकी समय अच्छा नहीं है। हाल के दिनों में विशेष समुदाय के लोगों के जरिए जिस तरह से जूस जिहाद, थूक जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से हिंदू संत समाज गुस्से में है। संत समाज किसी भी कीमत पर महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों की घुसपैठ नहीं चाहता। कुंभ मेले को लेकर कुछ संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे। संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से समान में थूक देना, झूठा कर देना, तब समान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। संत समाज के इस बयान के बाद मौलानाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। महाकुंभ में मुस्लिम समाज की एंट्री रोके जाने के फैसले को शर्मनाक बताया गया है। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता, और इस भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं, और मज़हब ये लोग, मज़हब के मानने वाले या मज़हब के प्रचारक, ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अखाड़ा परिषद की बैठक के दौरान शाही स्नान, पेशवाई जैसे नामों को भी बदलने की बात हुई, जिसकी मांग कल रखी जाएगी। साथ ही मेला क्षेत्र के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पर भी बैन लगाने की मांग की जाएगी। देखना यह है कि 6 अक्टूबर को संतों और योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक के बाद क्या ऐतिहासिक फैसले होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।